भी हॉरिजॉन्टल शॉट मारते हो ना, ये बॉटम हैंड का इस्तेमाल होता है। कट और पुल में इसका इस्तेमाल काफी होता है। वॉक करो। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए मोहम्मद कैफ का। थैंक यू सर। वर्ल्ड कप में 2003 के निक नाइट को जो रनआउट किया था, ऐसे लग रहा था ये जमीन है और ये जमीन पे आप ऐसे पैरेलल तैर रहे हो हवा में। सिर्फ दो ही फील्डर थे वहाँ, वो कोई वीडियो बता नहीं पाएगा आपको। तीन स्टंप यहाँ लगे और मैं यहाँ से थ्रो कर रहा हूँ, मुझे एक ही स्टंप दिख रहा है, तो मैंने यहाँ से ही रिलीज किया। हाँ, वो लिटरली ऐसे तो उसको बाद में किया रही, तो इजी सिंगल था, इतना बड़ा गैप था, पर यार बॉल पे कैसे आ गया। कैफू भाई, पाकिस्तान की टीम में आपके दोस्त कौन है और किससे बिल्कुल नहीं बनती? शोएब अख्तर से एक बीच में हुआ था एक बार, कराची में मैं उसके पास वॉक कर गया था। क्या उसका भागने का स्टाइल, वो भाग ही रहा है स्क्रीन से, भाग के आता था वो। हाँ, मतलब वो लगता है वो ड्रेसिंग रूम से दौड़ता हुआ आ रहा है। वो ये था कि उसको था कि फास्टेस्ट बॉलर है ये है वो है। हम लोग सर एक वो कहने के वो आ जाता है यूपी वाला कि यार तुम हमसे बड़ा खलीफा नहीं है भाई। पाकिस्तान के खिलाफ सैमसंग ट्रॉफी वाला मैच याद है? मैच हारने की कगार पे थे, आपने शोएब मलिक का कैच लिया, आप और मिस्टर बदानी बुरी तरह टकराने वाले थे। बदानी तो नाराज था, गुस्से में था, मुझे एक्चुअली उस पर भरोसा नहीं था कि वो जाके ना वो अटेम्प्ट करेगा या डाइव मारेगा या कैच पकड़ लेगा, मुझे भरोसा नहीं था, कसम खुदा के बता रहा हूँ। अगर वो सुनेगा ये मेरा इंटरव्यू, शायद वो मुझे फ़ोन भी करेगा क्या बोल रहा हूँ। अभी के प्लेयर्स को लेके तो और भी ज़्यादा कहा जाता है कि वो इस चीज़ की बड़ी फिक्र करते हैं कि उनको कमर्शियल्स कौन से मिल रहे हैं, इंस्टा पे क्या हो रहा है वगैरह वगैरह। एक बंदे ने कल्चर बरकरार रखा, उसका नाम महेंद्र सिंह धोनी है। प्लेयर बैठे हैं उसके रूम में और वहाँ लोग बात हो रही है, कोई ऐसा खाना पीना हो रहा है, तो वो उसको शौक था कि लोग आकर बैठे। वो अकेला वाला बंदा नहीं था एज ए कैप्टन, उसको इसलिए फायदा भी हुआ। सौरव गांगुली कैसी कप्तानी होती? मुंबई के लोग बड़े बड़ा खेलते हैं या कर्नाटका बैंगलोर में खेलते हैं, और जब सौरव गांगुली निकले बने कैप्टन, तो उन्होंने बोला नहीं, टैलेंट पूरे दुनिया में है, पूरे इंडिया में है, पूरे गांव में है, आप नज़र रखो, निकाल के लाओ प्लेयर। वो उनकी मानसिकता थी। बड़ी कहानियाँ सुनी हम लोगों ने ग्रेग चैपल की, क्या सच्चाई है? इंडियन कल्चर को समझ नहीं पाए वो, सचिन से नहीं बनी। उन्होंने सचिन को बोल दिया कि भाई भारी बल्ला छोड़ो। कई बार ना वो पहले मीडिया को बोलते थे ये बात। हाँ, वो तो कैमरे को उंगली भी दिखाते थे। फर्स्ट कोच था जिन्होंने मुझे एक्चुअली फील्डिंग की टिप्स दी कि तुम्हारी टेक्निक खराब है फील्डिंग की। अजीब ही दौर था वो तो। क्या मोहम्मद कैफ को ऐसा लगता है कि उनको कमबैक के लिए चांसेस नहीं मिले पर्याप्त? अगर मैं रन बनाया भी तो अगला मैच खेलने की गारंटी नहीं है। ये हुआ है मेरे साथ, नागपुर में 91 बनाए थे, अगला टेस्ट मैच में नहीं खेला था। IPL में क्या रहा? तो 5-6 पे शायद इतना मैं उस फॉर्मेट के लिए सूटेड प्लेयर नहीं था। रिकी पॉन्टिंग के साथ फिर बाद में आपने जब काम किया तो जितना भी उनका गुरूर था अपने की बात नहीं करना, इंडिया नहीं आना, ट्रैवल नहीं करना, IPL ने चेंज कर दिया सर। ऐसा बोलता है, झक मार के आएंगे सब, यहीं सब दोस्त बन जाएंगे, सब आपको धोनी के साथ बैठेंगे, कोई रोहित शर्मा को दोस्त चाहे इनके ग्रुप में आ जाऊँ, विराट कोहली मेरा अरे PR कर लो उसके बारे में लिख दो। राहुल गांधी ये इधर मिले थे 2014 के आसपास। क्या हुआ था 2014 के आसपास? कई लोग को उस बार उस टाइम डाउट भी होता कि यार ये मोहम्मद कैफ कैसे आ गए पॉलिटिक्स में, वो सही बात भी है। इससे पैसा भी खर्च हुआ? सर पैसे थे नहीं, वही तो बोल रहा हूँ मैं। पार्टी ने पैसा नहीं दिया लड़ने के लिए? दिया, थोड़ा बहुत दिया पैसा, जितना वो जितना देते हैं लोगों को। कितना देते हैं? उसके बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अप्रोच किया? नहीं। बहुत तकलीफ हुई होगी इस फाइनल में कमेंट्री करने में जो हम हारे ऑस्ट्रेलिया से? एक इमोशन भी था, इमोशन इसलिए था कि 2003 में इनसे हम हारे थे, मैं वहाँ 3 दिन था। रोहित शर्मा शाम को आए, द्रविड़ दोनों शाम को आए, पिच पे गए, घूमा कैसे पिच है, ये 3 दिन लगातार हुआ है और मैंने पिच का रंग बदलते हुए देखा है। कमिंस है, स्टार्क है, इनके पास तेज गेंदबाजी है, हमारे पास तो इनको ना स्लो पिच दो, और वहाँ गलती हुई 100%। चाहे लोग कितना ही बोले कि ना क्यूरेटर अपना काम करता, हम कुछ नहीं बोलते, बकवास है।